रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। विषय है कि जब किसी के घर में भूत बाधा आती है, किसी पे भूत चढ़ता है, तो आप बहुत सारे बाबा लोगों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ताकि वो भूत जिसे भी परेशान कर रहा है उसके शरीर को छोड़ के चले जाए। आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो कि सिर्फ आप दो लौंग से कर सकते हैं। आप सबके घर में लौंग होगा, तो उस लौंग का प्रयोग होता है किसी के भी ऊपर अगर भूत लगा है तो उस भूत को उतारने में, सिर्फ उतारने में नहीं, अगर वो आत्मा अनिष्टकारी है तो उसको आप जलाकर राख भी कर सकते हैं। तो इस विधि पे हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन इस विधि पे बात करने से पहले आप लोग को जानना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले भूत बाधा होता क्या है, उससे पहले भूत क्या होता है। ऐसे हम सभी जानते हैं कि भूत, अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो वो भूत बन जाता है। इस हिसाब से तो हर व्यक्ति जो मरता है उसको भूत बनना चाहिए, लेकिन जिसका काल समय चक्र पूरा हो जाता है वो अगले डायमेंशन में मूव कर जाता है, वो भूत नहीं बनता। भूत योनि में कौन कौन जाते हैं? भूत योनि में मूलतः दो लोग जाते हैं। एक वो जिनकी अकस्मात मृत्यु हो, मतलब जो अपने मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे, तो उनकी जब मृत्यु होती है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो उनको पता ही नहीं होता कि अगला क्या करना है। और दूसरे वो जो कि लालची होते हैं। लालची मतलब जिनको अपने किसी प्रियजन से लालच हो, जिनको अपने किसी वस्तु विशेष से लालच हो, जिनको अपनी जायदाद से लालच हो, ऐसे लोगों को लगता है कि वो मरने के बाद भी अपने उस प्रिय वस्तु को ना छोड़े, तो वो यहाँ पर रह जाते हैं। तीसरा प्रकार एक और होता है कि अगर कोई तांत्रिक किसी मृत व्यक्ति को पकड़ ले तो वो भूत बन जाता है। अब विषय है कि ये जो भूत बनते हैं वो आपसे संपर्क करते क्यों, या किसी भी इंसान से संपर्क क्यों करते हैं? इसका मूलभूत दो कारण होता है। एक तो वो ये चाहते हैं कि आप उसकी मदद करें। नहीं, मतलब मदद कहना गलत बात है, वो ये चाहते हैं कि आप उनका काम करें। वो जिस भी उद्देश्य के चलते यहाँ रुके हुए हैं उस उद्देश्य को आप पूरा करें। वो उद्देश्य बहुत ही छोटा होता है, बहुत से जगहों पे देखा गया, बहुत बहुत छोटे छोटे कारणों के चलते बहुत सारे आत्माएं रुकी होती हैं जिनको मुक्ति चाहिए होती है। दूसरा कारण, आप ऐसा एक अपने दिमाग में सोचे कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपका परिवार आपसे बात करना बंद कर दे, तो आप समझिए कि वो लेवल ऑफ इरिटेशन क्या होगा, वो खींच कितनी आएगी। तो एक भूत जो होता है वो किसी से बात नहीं कर सकता, कोई उसकी बात नहीं सुन सकता। मतलब अभी एक मिनट पहले जब तक वो मृत नहीं था तब तक उसे सभी लोग हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, और जिस क्षण से वो मरा है उस समय से उससे कोई भी बातें नहीं करता। आप समझ पा रहे हो? तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसके चलते एक भूत अपने आयाम को छोड़ करके जो जीवित इंसान होते हैं उनसे संपर्क करता है। तो विषय ये आता है कि किसके शरीर पे भूत हावी होता है। तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि जिसका आसन हल्का होता है। तो आसन किसका हल्का होता है, इस पे मैं बाद में आऊँगा। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे हम लोगों के पास केसेस आते हैं कि भूत ने पकड़ लिया, पोजेशन का केस है, विचित्र विचित्र हरकतें करते हैं लोग। 99% केसेस में हमने देखा है कि ये झूठ मूठ के आडंबर करने वाले लोग होते हैं। दो तरह के व्यक्तियों को भूत ज़्यादा पकड़ता है, चाहे वो जो काम चोर हों, जिनको काम नहीं करना है, जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको मतलब आराम की रोटी तोड़नी है, वैसे लोग अपने परिवार में ये एक स्वांग रचते हैं कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है।
तो लोगों की सहानुभूति हो जाती है और ये लोग इन लोगों के साथ फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, कुछ कोई काम करने नहीं बोलता। दूसरे ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनको सही सम्मान नहीं मिल रहा है या लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो खुद की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए भी लोग ऐसा एक अपने विषय में ऐसा दर्शाते हैं कि वो खुद के आपे में नहीं है, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक तो डर का माहौल बनता है, दूसरा एक सहानुभूति का माहौल बनता है। तो लोग ऐसे लोग जिन पे भूत वूत लगा हो भाई साहब, उससे दूर ही रहते हैं। तो आसन हल्का जो मैंने कहा, आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आप किसी व्यक्ति से डील कर रहे हो जिसको भूत आता है, तो आप इन दो चीज़ों दो पहलुओं पर गौर करना कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है पहला, और दूसरा विषय कि वो काम धंधा करता है कि नहीं, वो कामचोर है कि नहीं, तीसरा कि उसके परिवार में उसका अपना या उसके समाज में उसकी पकड़ कैसे, लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं जिसको भूत लगता है, उसको भूत लगता है या फिर उसके मन का ये वहम है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इतने इस लेवल तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो उनका सबकॉन्शियस उनसे कुछ चीज़ें करवाता है और लोगों को लगता है कि ये खुद नहीं कर रहा है, कोई आत्मा इसको करवा रही है। हम आसन की बात कर रहे थे। आसन का मतलब क्या होता है? आसन कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है ना। आसन कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपकी कुंडली में लिख के आता है, या आसन ऐसी कोई चीज़ है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो तो आपका आसन भारी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आसन का मतलब होता है खुद पे आपका कंट्रोल, खुद पे आप अपना मालिकाना हक अपने शरीर पे कितना समझते हैं। देखिए, देवता ने आपको जो आत्मा दी और शरीर दिया, आपको उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी दी है। मतलब आप इस शरीर को जो आपका एक गिफ्ट है उसको आप कितने अच्छे से रखते हो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो जब कोई भूत या कोई प्रेत आपके शरीर पर हावी होता है, इसका मतलब आपको जो देवता ने एक गिफ्ट दिया, जो एक गिफ्ट से ज़्यादा मैं बोलूँगा, वो आपको रखने के लिए एक सामग्री दी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। आप समझो कि बचपन में एक कलम अगर आपके बगल वाला बच्चा आपके क्लास में ले लेता था, तो आप किस तरीके से लड़ के उसको लेते थे कि ये मेरा कलम है। या आज अगर आप बड़े हो तो आपके ज़मीन का या घर का जो अगर किसी और ने कब्जा कर रखा हो, तो आप कितने दमखम के साथ लड़ते हो उसको वापस लेने के लिए। तो आप ये सोचो कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शरीर है, क्योंकि अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो दूसरा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि आपके पास जो सबसे महंगी सामग्री है या वस्तु है वो आपका शरीर है, उस दिन आपका आसन भारी हो जाएगा। आसन भारी होना कोई बहुत ही बड़ा साइंस नहीं है। आसन भारी होने का मतलब होता है मुझे पता है कि मेरा खुद का कितना वैल्यू है। तो आज जिनका आसन हल्का है, अगर उन पे भूत बाधा आ जाए, तो उस भूत बाधा को सिर्फ दो लौंग से कैसे हम हटाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो भूत बाधा क्या होता है? आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि एक भूत किसी के शरीर में घुस गया, उसकी आंखें बदल गई, उसका आवाज़ बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया, वो बड़ी ही मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें करने लगा, तो पता चलता है कि भाई साहब इसमें तो भूत आ गया है। लेकिन वास्तविक रूप में भूत जब किसी को लगता है तो वो शरीर के अंदर नहीं घुसता, बल्कि उसके आसपास रहता है। ये समझने वाली बात है। आसपास रह करके वो उसके इन्वायरमेंट को नेगेटिव करता है। देखो, आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहोगे, आपका वो इन्वायरमेंट होता है, वो आपका एनर्जी सर्कल होता है। आप अगर बहुत ही राजनीतिक तरह के लोगों से रहोगे, आपके आसपास का एनर्जी सर्कल पूरा अगर पॉलिटिकल होगा तो आप पॉलिटिकली सोचने लगोगे। आप अगर बहुत ही आध्यात्मिक लोगों के साथ रहोगे, आपके आसपास का पूरा जो माहौल है आध्यात्मिक रहेगा, तो आप हमेशा भगवान ध्यान में रहोगे। आप शराबियों के साथ बैठो तो आप हमेशा शराब के बारे में सोचोगे। उसी तरीके से भूत जब किसी के ऊपर हावी होता है, तो वो अपने तरीके से अगले को सोचने पे मजबूर करता है।
जब किसी पे भूत बाधा आएगा तो उसका सबसे बड़ा जो साइन होता है, जो फर्स्ट साइन जिसको कहते हैं, वो होता है डिप्रेशन। एक व्यक्ति जैसे ही पोजेशन में जाएगा वो डिप्रेस्ड होने लगेगा, वो आपको उसके हाव भाव में पता चलेगा वो डिप्रेस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे हैरत अंगेज करतब दिखाए, वो सर घुमाए या वो उसके आंखें बदल जाएं, आवाज़ बदलता है, ताकत आती है, ये सब कुछ चीज़ें होती है जिसका साइकोलॉजिकल रीजंस भी है। तो डिप्रेशन होना, सुसाइडल टेंडेंसी होना, ये एक्चुअल में पोजेशन होता है। ऐसे जब भी आप पहले जब भूत के पोजेशन वाले लोगों को देखो तो उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। हो सकता है कि उन पे कोई भी भूत वूत ना आता हो, वो बिल्कुल ही क्लिनिकल साइकोलॉजी का विषय हो, क्लिनिकल डिप्रेशन वो चले गए हों। अच्छा, अब विषय है कि ये जो हम लौंग का प्रयोग करते हैं, लौंग का प्रयोग करके भूत क्यों भागेगा? तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि डिप्रेशन में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी सर्कल में एक दूसरा एनर्जी, देखिए शरीर का तीन भाग होता है, एक तो हमारा शरीर हुआ, दूसरा सोचने समझने की शक्ति हुई, और तीसरा हमारे पास होता है एनर्जी पैकेट जिसको सोल कहते हैं। जैसे ये सोल बॉडी से रिलीज होता है, शरीर मर जाता है, और वो जो एनर्जी पैकेट है वो बाहर निकलती है। अगर वो एनर्जी पैकेट बाहर निकल के दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वो रिलीज हो गया। अगर वो एनर्जी पैकेट निकल के अपने सोचने समझने की शक्ति को साथ लेकर बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल ही इंसानों की तरह व्यवहार करता है, और तब वो बन जाता है भूत। लेकिन वो एनर्जी पैकेट है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु इस यूनिवर्स में हो उसका एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमारा एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप एक झाड़ू को अपने सिरमे के अंदर लेके सो जाओ, आपकी नींद ख़राब होगी। आप एक चाकू को लेकर के सो जाओ, आपकी नींद मतलब आपको डर नहीं लगेगा। इसी तरीके से किसी वस्तुओं को अगर आप सर के नीचे लेके सोते हो तो हर वस्तु का एक प्रभाव होता है आपके नींद पे, क्योंकि उस वस्तु का एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो लौंग का एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी तरीके के नेगेटिव एनर्जी को, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसको वो खींच लेता है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास हो, आपके ऑरा सर्कल में हो, और लौंग वहाँ रख दिया जाए, लेकिन लौंग का, नींबू का, ठीक है, लोहे का, इन सब एक दो चार वस्तुएं ऐसी हैं जो कि कोई भी अनसीन अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो होती है जो ह्यूमन ऑरा से अलग होती है, ठीक है, जिसको ह्यूमन ऑरा रिपेल करता है, वैसे चीज़ों को वो खुद में एब्जॉर्व कर लेता है। तो आते हैं मुद्दा पे कि कैसे एक व्यक्ति जिस पे भूत बाधा सच में हो उसको हटाया जाए। देखिए, जब साइकेट्रिस्ट के इलाज से काम ना चले, ठीक है, तो फिर डिवोशन काम आता है। डिवोशन बोलिए या फिर स्पिरिचुअलिज्म बोलिए या फिर हमारा जो अपना मेटाफिजिकल तरीका है वो बोलिए, ठीक है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं जो कि मोस्टली साइंस नहीं कर पाती है। तो इस विधि में आपको क्या क्या चाहिए होगा? इस विधि में आपको चाहिए होगा एक दिया का बाती, उसको आप सरसों तेल में भिंगा के एक हाथ में रख लें या फिर किसी चीज़ से में लपेट के रखें ताकि उसको जब आप जलाए तो आपका हाथ ना जले। आपको चाहिए दो लौंग, ठीक है, और आपको चाहिए एक मंत्र जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। विधि शुरू करने से पहले मैं आपको एक आध बात बता देना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर किसी पे भूत बाधा हो तो वो पता कैसे चलता है। सबसे पहले अगर किसी पे भूत का साया होना तो उसके आँखों से हटकर खड़े हो जाइए और उसका मन में उसकी तरफ देख के उसको पुकारिए। अगर वो पलट कर आपके तरफ देखे तो समझिए कि बाधा है। दूसरा, उसके लेफ्ट फिंगर के लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर को अगर आप दाब करके, जो मैं आगे मंत्र देने जा रहा हूँ वो पढ़िएगा, तो वो जो भी आत्मा है वो प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। ये दो ऐसी विधियाँ हैं जिससे कि आप
मतलब क्रिया करने से पहले ये समझ लोगे कि हाँ सामने वाले में किसी आत्मा का प्रभाव है या नहीं है। अब देखिए, जब ये विधि आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अकेले ना करें, अपने साथ दो चार लोगों को रखें, क्योंकि कई बार ऐसे जो आत्माएं होती हैं जो कि ऑरा सर्कल में घुसी रहती हैं, वो व्यक्ति को एग्रेसिव कर देती है और उसमें बहुत ज़्यादा इमेंस पावर आ जाता है, जो कि जिसको संभालने के लिए 2 से 3 लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम जो इस विधि को करेंगे ये 2 लॉन्ग से करेंगे, तो एक व्यक्ति जो कि अगर मांत्रिक हो कम से कम तो अच्छा रहेगा, वो इस 2 लॉन्ग को अपने हाथ में रख ले, ठीक है। आगे जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र को इस लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड में ये 2 लॉन्ग रखेगा, उसके ऊपर से राइट हैंड से उसको ढक लेगा, ठीक है। और उसके बाद 7 बार वो जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र को पढ़ेगा मन में, और उसके बाद उस लॉन्ग पर उसको फूकेगा। तो जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र नरसिंह का है, ठीक है। नरसिंह आज के डेट में देखिए कलयुग और बाकी युगों में बहुत ही अंतर है। मतलब आप देखोगे कि शुरुआत से मतलब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, सब में भगवान बदले। मतलब किसी युग में विष्णु के किसी और अवतार का पूजा होता था, दूसरे युग में किसी और का, तीसरे युग में किसी और का। कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें कि लोगों ने देवताओं को नहीं बदला, जो हमेशा से देवता आते गए वही उन्हीं देवताओं का की पूजा हो रही है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कलयुग में देवता हैं और अलग देवता हैं, अलग नाम से उनकी पूजा होती है। अब दुर्गा सप्तशती भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर युग में अलग अलग नामों से देवी का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। और उस युग के देवी देवताओं का अगर आप स्मरण स्मरण करते हो तो वो जल्दी आपको फल देते हैं। तो जैसे कलयुग में मैंने कई बार बताया कि हनुमान और भैरव बहुत ही प्रत्यक्ष है, वैसे ही नरसिंह देव जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष हैं। तो अभी क्या है कि ये हाथ में आपने लौंग ले लिया, उसके बाद स्क्रीन पे देखिएगा अब आप कि वो मंत्र आएगा, वो मंत्र विष्णु का है जो कि वैष्णव भी यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं। मंत्र है उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतोमुखाम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि हम स्वाहा। ये मंत्र आगे चल के मैं साधकों के लिए इस मंत्र को सिद्ध करने का भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक मंत्र हर प्रयोग में आता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप मान लो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी अगर आगे चल के कोई मंत्र होगा तो यही मंत्र है, और ये विष्णु का मंत्र है, ठीक है। नरसिंह अवतार में जब आए थे ये उनका मंत्र है। तो इसको आपने जब लौंग को फूंक लिया तो लेफ्ट हैंड में एक लौंग को पकड़ करके ठीक जो उसका त्रिनेत्र है वहाँ पे उसको लगाएं, ऊपर फूल ऊपर होना चाहिए, और राइट हैंड वाले राइट हैंड के इंडेक्स और थंब फिंगर में दूसरे लॉन्ग को पकड़े, और ये जो लॉन्ग आपने थर्ड आई पे रखा है उसके ठीक ऊपर से आप राइट टू लेफ्ट उसके सर के चारों तरफ इस लॉन्ग को घुमाएंगे 7 बार सर पे सटाते हुए, ठीक है। जब आप सर पे सटाते हुए घुमाएंगे तो भी आपको मंत्र पढ़ते ही रहना है। जब आप पढ़ लोगे तो ये जो आपके हाथ में दोनों लॉन्ग है इसको घर के बाहर ले जाना, और वो जो आपने दिया की बाती रखी हुई है उसको जलाना, और उसमें इन दोनों लौंग को जलाना। जैसे आप इस लौंग को जलाओगे इससे ऐसा एक दुर्गंध आएगा जैसे आपको लगेगा कि आप कहीं श्मशान में खड़े हो जहाँ कोई सड़ी हुई लाश जल रही हो। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि आपका भूत बाधा समाप्त हो गया है, और नहीं हुआ तो आप ये समझ लेना कि आपके सामने जो बैठा हुआ है वो नाटक कर रहा है। आज के लिए बस इतना। जिनको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन बंधन यंत्र बनाना मंत्र बोलना ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 9431188585 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।